फ्रेंड्स कबाब फ्राई हो गए हैं, जिन्हें हमने बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मजे का तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स ये कितने सॉफ्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया एंड वेलकम बैक टू फूड डायरीज बाय सोनिया यूट्यूब चैनल। तो ऑल माय फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूं सब हैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज हमारे किचन में बने हैं सीख कबाब, जिन्हें हमने बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मजे का तैयार किया है। तो चलिए देखते हैं हमने इन्हें कैसे तैयार किया है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले हम चॉपर में सब चीजों को अच्छे से चॉप कर लेंगे। ऐड करेंगे प्याज एक अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। अब पहले इन दोनों चीजों को चॉप कर लेंगे। प्याज को हमने थोड़ा सा चॉप कर लिया है, बाकी ये कीमे के साथ भी चॉप होगा। अब ऐड करेंगे कीमा 1/2 kg, साथ ही हम ऐड करेंगे मसाला जार, नमक 1 teaspoon या हसबे जायका, सुरख मिर्च 1 teaspoon, धनिया पाउडर 1 teaspoon, हल्दी 1/2 teaspoon, जीरा 1 teaspoon, कुटी हुई लाल मिर्च 1 teaspoon, जिंजर पाउडर 1 teaspoon, गार्लिक पाउडर 1 teaspoon। जिंजर गार्लिक पाउडर की जगह पे आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गरम मसाला 1 teaspoon। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 tablespoon के बराबर चर्बी। चर्बी कीमे को नरम करती है जिससे हमारे कबाब सॉफ्ट होंगे। अब इन सब चीजों को चॉप कर लेंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ऐड करेंगे इसमें हरा धनिया, इसको भी साथ चॉप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स सब चीजें अच्छे से चॉप हो गई हैं और अच्छे से मिक्स भी हो गई हैं। अब हम इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने कीमे को बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो जाए और सेट भी हो जाए। फ्रेंड्स यहाँ 1 घंटा हो गया है और कीमा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब हम इसे कबाब की शेप दे लेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक सीख। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप कोई चम्मच वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। कबाब की शेप दे लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से। ऐसे ही 1 by 1 हम सारे कबाब बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने सब कबाब बना लिए हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल लेंगे हम 3 to 4 tablespoon, ज्यादा ऑयल हमने ऐड नहीं करना। अब कबाब को इसमें रखते जाएंगे। साइड चेंज करेंगे ताकि ये दूसरी तरफ से भी सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स हमारे कबाब कितने जबरदस्त तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स कबाब फ्राई हो गए हैं। अब इनको थोड़ा सा बारबेक्यू का फ्लेवर देने के लिए मैंने कोयले की स्मोक दूंगी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की सीख कबाब की रेसिपी, जिन्हें हमने बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही मजे का तैयार किया है।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही मजे के हुए हैं ये, बहुत ही सॉफ्ट। मैं आपको चेक करवाती हूँ, देखिए फ्रेंड्स ये कितने सॉफ्ट हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करके इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।